बार बार हुई गिरफ्तार मगर फिर वही कारोबार। अवैध नशे की अंधेरी सल्तनत की महारानी पर अब नूरपुर पुलिस ने कसा है शिकंजा। इंदौरा निवासी कुख्यात महिला तस्कर 6 महीने के लिए नजरबंद। नूरपुर, धर्मशाला, पठानकोट, पंजाब, नंगल पुलिस थानों में पहले से हैं कई मामले दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा इंदौरा के अंतर्गत आती छन्नी वैली, जिसे लंबे समय से नशे का गढ़ माना जाता रहा है। अवैध शराब, चरस, चिट्टा जैसे नशे को हिमाचल में फैलाने में अहम भूमिका निभाने वाले छन्नी वैली के तस्करों ने जहां प्रदेश के युवाओं को मौत के घनघोर अंधेरे में धकेल दिया, तो दूसरी तरफ स्वयं के लिए करोड़ों की अवैध संपत्ति भी अर्जित कर ली। लेकिन कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसे ही नूरपुर को जिला पुलिस का दर्जा मिला, तो नूरपुर जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में आईपीएस अशोक रतन ने जिला पुलिस की कमान संभाली तथा प्रथम लक्ष्य के रूप में नूरपुर को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया। इस दौरान बड़े बड़े नशा माफिया भी पुलिस के शिकंजे में कसते चले गए तथा जिला पुलिस ने नशा तस्करों को धर पकड़ने की विशेष मुहिम छेड़ दी। इसी मुहिम के चलते 20 अप्रैल 2024 को पुलिस थाना डमटाल को एक सूचना मिली थी कि छन्नी में एक महिला के घर में चिट्टे की बड़ी खेप पहुंची है। इस पर जिला पुलिस ने सूचना के आधार पर पुलिस बल की एक विशेष टीम गठित कर महिला को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। इसी प्लान के चलते रूबी पत्नी अजय कुमार निवासी छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के रिहायशी मकान में दबे पांव पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। जिला पुलिस की विशेष टीम को इस छापेमारी में 26.18 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ तथा आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार की गई रूबी नामक महिला से पुलिस ने पूछताछ की तथा जब मामले की गहनता से छानबीन की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य पुलिस के सामने आए। जांच में पुलिस को पता चला कि गिरफ्तार महिला को पूर्व में भी चिट्टे की बरामदगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। धर्मशाला, पठानकोट और पंजाब के नंगल में भी चिट्टे के साथ महिला की गिरफ्तारियां हुई हैं। महिला के अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस नूरपुर द्वारा रूबी नामक महिला के खिलाफ एक प्रस्ताव गृह सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया, जिसे स्वीकारते हुए आरोपिया को निरुद्ध करने के आदेश भी जारी किए गए थे। मगर अब गृह सचिव द्वारा जारी आदेशों की अवधि 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो रही थी, लेकिन महिला के अपराधों की संगीनता को देखते हुए एक बार फिर गृह सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिला को नजरबंद रखने की अवधि को अगले 6 माह तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एक और जानकारी आपको दे दें कि नशे की सौदागर इस रूबी नामक महिला की अवैध नशे द्वारा अर्जित की गई चल एवं अचल संपत्तियों की वित्तीय जांच भी पुलिस द्वारा की गई तथा 1,03,79,484 रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। पुलिस विभाग द्वारा जारी आंकड़ों पर अगर गौर करें तो जिला पुलिस द्वारा अब तक नशे में संलिप्त 8 अलग अलग मामलों में नशे के अवैध कारोबार में शामिल अपराधियों की 16,29,22,153 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।